दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया के बाद अब दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस पूछताछ के लिए समन भी भेज दिया गया है और तारीख भी निर्धारित कर दी गई है। निष्कर्ष क्या निकलता है ये अभी देखने का विषय रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया है। इसके लिए समन भी जारी कर दिया है। केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू हो चुकी है। इस मामले में ईडी ने पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल भेजा है। इस मामले में आप पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसलिए ईडी ने केजरीवाल समन जारी किया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आप सुप्रीमो शराब घोटाले के किंग पिन थे। बीजेपी ने केजरीवाल से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी मांग की है। दिल्ली मुख्यमंत्री से पूछताछ के इस मामले पर सभी नेता अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि केंद्र का एकमात्र उद्देश्य है कि किसी भी तरह से आप पार्टी को खत्म किया जाए। वे अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने और आप पार्टी को खत्म करने के लिए झूठा मामला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। केजरीवाल सरकार में ही मंत्री आतिशी सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली और पंजाब में आप पार्टी सरकार के कामकाज से डरी हुई है। वे आप नेताओं को झूठे मामले में फंसाने और उन्हें जेल भेजने की कोशिश कर रही है। वे आप पार्टी को खत्म करना चाहते हैं और आप पार्टी नेता संदीप पाठक ने बीजेपी पर केजरीवाल को किसी भी तरह से हटाने का आरोप लगाया है। पाठक ने कहा कि बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी का एकमात्र उद्देश्य है किसी भी तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल को हटाना है। सबसे पहले उन्होंने कानूनी तरीके से ऐसा किया। उन्होंने पहले दिल्ली फिर पंजाब में कोशिश की लेकिन असफल रहे। जब आप पार्टी ने गुजरात में एंट्री की तो वे कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि साजिश रचनी शुरू कर दी है और हमारी पार्टी के बड़े नेताओं को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। उसके बाद उन्होंने देखा कि पार्टी टूट नहीं रही है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को समन जारी करवा दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आप पार्टी पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि ये पार्टी दिल्ली और पंजाब में भ्रष्टाचार में शामिल रही। जो लोग ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे उनके मंत्री एक के बाद एक जेल चले गए और उन्हें जमानत तक नहीं मिल रही है। पिछले एक साल से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सच्चाई यह है कि जब से वे सत्ता में आए हैं उनके नेता भ्रष्टाचार में शामिल होते जा रहे हैं। आप पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में भ्रष्टाचार किया है। आज स्थिति ऐसी है कि पता ही नहीं चलता कि उनके मंत्रियों की संख्या जेल में ज्यादा है या बाहर। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आप पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड थे। शराब घोटाला केजरीवाल का केजरीवाल के द्वारा केजरीवाल के लिए है। वह शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और सरगना है। अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां और उनकी अब तक की सभी जांचों को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल और आप पार्टी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि खुद को ईमानदार कहने के बाद उनके असली चेहरे सामने आ गए हैं। जब शराब घोटाला सामने आया तो हम शुरू से ही कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल इस घोटाला के किंग पिन है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी और 338 करोड़ रुपए को लेकर सवालों में आए तो अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए था कि उन्होंने 338 करोड़ रुपए कहां खर्च किए हैं। और उनकी पूरी टीम खुद को ईमानदार कहती है, उनके असली चेहरे अब सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की और आरोप लगाया कि दिल्ली में उनकी सरकार ने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति अपनाई है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए इस तरह की मांग की। वे पूरे शराब घोटाले की सरगना है। ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने रिकॉर्ड पर कहा कि नीति में हर बदलाव अरविंद केजरीवाल द्वारा तय किया गया
उन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने वाली नीति का मसौदा तैयार किया। दिल्ली शराब नीति मामले में इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी। केजरीवाल को सीबीआई ने अप्रैल में तलब किया। हालांकि पिछले साल अगस्त में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया गया था। अब केजरीवाल को ईडी ने उसी मामले में तलब किया, जिसमें इस साल फरवरी में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 4 अक्टूबर को राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अब इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या सच्ची में आम आदमी पार्टी को गिराना चाहते हैं या फिर असली चेहरे अब सामने आ रहे हैं? इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना, बेवक सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।